अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब करें न्यू क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकन पर लेटेस्ट अपडेट पाएं सबसे पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्रिकेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड टेस्ट मैच की। ये मैच कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा, और दोस्तों साथ ही आपको बताएंगे पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी सेकंड टेस्ट मैच में मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूँ, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के दरमियान ऑलरेडी एक टी20 हो चुका है। याद रहे, पाकिस्तान वो बहुत ही बुरे तरीके से मैच हारा था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी थी। याद रहे, पाकिस्तान बहुत ही बुरे तरीके से हारा था। तो आपको बता दूं, सेकंड टेस्ट मैच 24 नवंबर 2018 के खेला जाएगा। याद रहे, पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैच की सीरीज है और एक टेस्ट मैच हो चुका है। दूसरा टेस्ट मैच दोस्तों 24 नवंबर 2018 को खेला जाएगा। ये मैच दोस्तों पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे शुरू होगा और दोस्तों इंडिया टाइम के मुताबिक 11:30 पर शुरू होगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, दोनों ही टीमें चाहती हैं कि ये टेस्ट मैच ज़रूर जीतें। अगर पाकिस्तान की सीरीज जीतनी है तो अगले दोनों मैच जीतने होंगे, लेकिन अगर न्यूजीलैंड को जीतना है तो न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना होगा और न्यूजीलैंड की टीम सीरीज जीत जाएगी। तो दोस्तों, दोनों ही टीमें बहुत ही अच्छी हैं। तो पाकिस्तान बहुत ही गंदे तरीके से पहला मैच हारा था। तो दूसरे मैच की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर होंगे इमामुल हक, पाकिस्तान टीम के लेफ्ट हैंड बैट्समैन और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। नंबर 2 पर होंगे दोस्तों मोहम्मद हफीज़, पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर। नंबर 3 पर दोस्तों होंगे अजहर अली, पाकिस्तान टीम के दोस्तों अच्छे बैट्समैन। नंबर 4 पर होंगे हारिस सुहेल, पाकिस्तान टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज। और नंबर 5 पर होंगे असद शफीक, पाकिस्तान टीम के ये भी अच्छे बैट्समैन हैं। नंबर 6 पर दोस्तों होंगे बाबर आजम, पाकिस्तान टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज। दोस्तों, इसके बाद सरफराज अहमद होंगे पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर और कैप्टन। और दोस्तों, इसके बाद बहुत बड़ी चेंज की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिलाल आसिफ की जगह पर फई मशरफ को टीम में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यासिर शाह होंगे और दोस्तों नंबर 10 पर हसन अली होंगे जो कि पाकिस्तान टीम के बहुत ही तेज़ बॉलर हैं। और दोस्तों नंबर 11 पर मोहम्मद अब्बास को खिलाया जाएगा। दोस्तों, ये रही पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 जो कि सेकंड टेस्ट मैच में खेलेगी। तो दोस्तों, आपकी तरफ से कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।